गाइस, वेलकम टू विजडम वर्ल्ड। सो गाइस, लेट अस टॉक टुडे अबाउट स्कीम। एक जो डिजीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे, और उसके साथ साथ एक स्कीम जो लॉन्च की है अभी रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट ने। प्रेसिडेंट आपको पता है अभी नई नई चेंज हुई है, डेट इज़ द द्रौपदी मुर्मू। तो उनके द्वारा जो चेंजेस आई गई, मतलब एक स्कीम लाई गई है तो टीवी को फ्री करने, इंडिया को फ्री करने के लिए फ्रॉम टीवी डिजीजेस। सो अब हम क्या करेंगे, आज उसको डिस्कस करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिजीजेस होते क्या हैं। तो डिजीजेस क्या होते हैं, जैसे हम बोलते हैं बीमारियां, अबनॉर्मेलिटीज। तो अबनॉर्मल सिचुएशन जब भी हमारी लाइफ में या हमारे माइंड में जब भी कहीं पे होगी, तो उसको हम बोलेंगे डिजीज़ हो गई है, हमारी बॉडी को अनहेल्दी फील हो रहा है। तो मतलब बॉडी फिजिकली एंड मेंटली नॉट फिट फॉर डूइंग एनीथिंग, तो उसी को हम बोलेंगे डिजीजेस। देर आर टू टाइप ऑफ डिजीजेस, डैट इज़ द कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड द अनकम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस डैट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इवन फ्रॉम एनिमल टू पर्सन। ओके, तो चाहे वो थ्रू एयर है, विंड है, थ्रू एयर, विंड, वाटर और एनीथिंग एल्स। सो हर एक तरह की जो भी ट्रांसमिशन होंगी, पर्सन टू पर्सन होंगी चाहे एनिमल्स टू पर्सन्स होंगी, उनको हम बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। देखो, एनिमल्स टू पर्सन्स को जब होती है तो उसको हम जोनोटिक डिजीज में कंसीडर करते हैं। जैसे हमारा कोरोना वायरस आया, तो डैट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज ना, वायरल होते हैं, तो दीज आर द कम्युनिकेबल डिजीज। अभी भी इस टाइम पे भी लोगों को मोस्टली बुखार होगा, फीवर है, कफ है, जब उनकी थ्रोट बंद हो रही है, दैट इज़ द वायरल। तो वो क्या हो रहा है, कम्युनिकेबल हो रहा है। आपने अक्सर सुना होगा लोगों से, वो कहते हैं कि घर में एक बार किसी को बुखार आया तो सभी फैमिली को होगा। वो क्यों होगा, बिकॉज उस टाइम पे जो फीवर है डैट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी होती हैं, वो डिजीजेस, दो डिजीजेस विच डू नॉट स्प्रेड और डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और एनिमल टू पर्सन। जो एक को होगी वो दूसरे को नहीं होगी, ट्रांसमिट नहीं होगी, स्प्रेड नहीं होगी, उसको हम बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो जैसे नॉन कम्युनिकेबल में कौन सी आ जाएंगी, जैसे कैंसर हो गया, स्टमक पेन है, या हेडेक है, एक को होगी दूसरे को नहीं होगी। किसी की आईसाइट वीक है तो ज़रूरी है कि उसके साथ दूसरे को होगी, नहीं। लेकिन किसी को आई फ्लू आया है तो दूसरे बंदे को ऑटोमेटिकली आई फ्लू आएगा, तो डैट इज़ योर कम्युनिकेबल डिजीज़। इवन योर कोल्ड इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। आप देखते हो किसी एक को जुकाम आया होगा तो धीरे धीरे जो भी उस एरिया में होंगे, कंटेक्टेड होंगे थ्रू एयर, वो क्या होता है, बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है, ठीक है ना। जैसे टूथ एक होती है, जहाँ आपके मुंह में छाले पड़ गए हैं, तो वो क्यों, किसको होंगी, वो एक ही को होंगी। इवन कि आपकी बॉडी में पिंपल आ गया तो वो पिंपल भी किसको आया, एक आंसर, डैट इज़ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ओके, सो उसी के रिलेटेड ये मैंने आपको इसलिए डिस्कस किया आपके साथ कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अभियान चलता है, जब कोई भी स्कीम जब भी लॉन्च होगी तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। वो रीज़न जब भी होगा तो उसका कोई बेस होता है। तो आज की जो हमारी स्कीम है वो है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। ये लॉन्च किया गया है बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टीबी है क्या। टीबी इज़ ए डिजीज़। तो डिजीज़ के बारे में आपको बता चुकी हूँ, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल के बारे में बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले बात क्वेश्चन आता है कि टीबी इज़ ए कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो सो टीबी इज़ ए कम्युनिकेबल डिजीज़। टीबी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के जरिए कॉज होती है, जिसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो टीबी की फुल फॉर्म भी क्या है, ट्यूबरकुलोसिस है। सो टीबी जो है मोस्टली अफेक्ट कहाँ पे करता है, लंग्स के ऊपर अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि टीबी आज की कोई नई बीमारी है, पुराने काफ़ी एनिशियंट टाइम से ये बीमारी चलती आ रही है। जैसे इजिप्ट में 3000 BC से ये जो बीमारी है ये फैली हुई है, ठीक है। सो ये पर्सन टू पर्सन जो है वो स्प्रेड होती है। अगर पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो रही है और थ्रू एयर हो रही है, तो वो कोई कौन सी डिजीज़ होगी, ऑब्वियसली कम्युनिकेबल डिजीज़ होगी। सो कॉमन सिम्पटम क्या होते हैं, कफ होता है जिसमें दर्द रहती है, ब्लड एट टाइम, मतलब
कफ के सांस के साथ साथ ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, चेस्ट में पेन रहती है, कमज़ोरी हो जाती है, वेट लॉस हो रहा है, फीवर है, नाइट स्वेट्स आते हैं, पसीना आता रहता है, जैसे थोड़ी थोड़ी स्वेटिंग हो रही है। तो ये सारे जो हैं वो सिम्टम्स हैं किसके, आपके टीबी के। सो इसके साथ साथ हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट इसका ऑब्वियसली है, ट्रीटेबल है, क्यूरेबल डिजीजेस है। लगभग 6 महीने का कोर्स जो है वो स्टैंडर्ड दवाइयाँ देके, चार मतलब कि कोर्स जो होता है, 4 एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स दिए जाते हैं जिससे इसको क्योर किया जाता है। तो एंटी टीबी मेडिसन कौन सी है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस है, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस है, ठीक है। MDR-TB भी बोलते हैं, XDR-TB बोलते हैं। तो दी ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल एंटी टीबी मेडिसन हैं ये, ठीक है। तो टीबी को एंड करने का WHO का मतलब कि एक देखो कोई भी ऑब्जेक्टिव है वो ग्लोबल भी होता है और कुछ उस कंट्री का भी होता है। तो ग्लोबली जो टारगेट है टीबी को ख़त्म करने का वो 2030 तक का है, जबकि इंडिया का टारगेट कितना है, 2025 तक हमने क्या करना है, इंडिया को फ्री करना है टीबी से, ठीक है। तो आपको पता है जब 2030 की बात हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्यूब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। तो ऑब्वियसली टीबी अगर बीमारी है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तक का एजेंडा है WHO का 2030 तक का, इसको रिमूव करने का, एलिमिनेट करने का। तो ये कहाँ तक जाएगा, तो ये सीधी सी बात है, ये कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ डील करेगा, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3। बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो है वो डील करता है आपकी गुड हेल्थ एंड वेलबींग के साथ, ठीक है। मैंने सस्टेनेबल गोल, अगर किसी को नहीं पता है कि क्या हैं, कौन से हैं कि तो किस तरीके से हमने याद रखने हैं, तो वो मैंने आपको एक पहले ही, कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो डाली है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। सो इसके साथ साथ जो मेन स्कीम है, अब बात करते हैं उसकी। मेन स्कीम जो है वो है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। ये एक इनिशिएटिव लिया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर। तो ये बोल रहे हैं कि कंट्री को हम और प्रोग्रेस करवाएंगे कंट्री में, ताकि हम टीबी को एलिमिनेट कर सके 2025 तक। एडिशनल पेशेंट सपोर्ट देनी है टू इम्प्रूव करने के लिए ट्रीटमेंट आउटकम्स जो है टीबी पेशेंट्स का उसको। फिर अगमेंट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करनी है मीटिंग्स में। कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, निकश मित्र इनिशिएटिव रहेगा एक, और निकश डिजिटल पोर्टल। तो एक तरह का जो इंश्योर करेगा डिजिटल डायग्नोस्टिक न्यूट्रिशनल वोकेशनल सपोर्ट टू टीबी पेशेंट्स, वो होगा निकश मित्र। और डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वो बनाया जाएगा कम्युनिटी स्पोर्ट्स के लिए फॉर पर्सन विथ टीबी। तो मतलब जो पर्संस की सपोर्ट करेगा कम्युनिटी बेसिस पे, वो तो निकश डिजिटल प्रोग्राम पोर्टल करेगा, लेकिन निकश मित्र जो है वो स्पेशली लगाया जाएगा कि इंश्योर करवाएगा कि किस तरीके से आपको दवाइयाँ खानी है, न्यूट्रिशन कैसी होनी चाहिए। वोकेशनली सपोर्ट करेगा किसको, टीबी पेशेंट्स को, ओके। सो एक इसके अलावा एक निकश पोषण योजना जो थी वो भी लॉन्च की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेयर इन टू हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो 2018 में ये इसको लॉन्च किया गया था। इसका एम था कि टीबी पेशेंट को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा पर मंथ, ताकि वो अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल करे। इसमें 500 रुपीज़ जो थे पर मंथ जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र था वो दिया जाता था टीबी पेशेंट को, दिया जाता है। स्कीम जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर आती है। तो इसके साथ साथ हमने ये भी चीज़ें याद रखनी है कि डॉट्स का डिपार्टमेंट हॉस्पिटल्स में ओपन होता है फॉर टू जहाँ पे दवाइयाँ प्रोवाइड करवाई जाती हैं टीबी पेशेंट्स को। और इसके साथ साथ वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 24 मार्च को, जिसमें पब्लिक को अवेयर किया जाता है अबाउट द डिज़ीज़ एंड उसके क्योर क्या है, प्रिवेंशन क्या है, वो सारे के लिए, और किस कब तक हमने इसको ख़त्म करना है और किस तरीके से करना है। तो 2022 में जो इस साल टीबी सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड टीबी डे, उसका थीम था इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव्स लाइफ, कि आपको इन्वेस्ट करना है टीबी को ख़त्म करने के लिए और लाइफ्स को बचाना है। ये आपका क्या था, थीम था 2022 का। तो यहाँ तक बात रही टीबी की। इसी तरीके से और भी बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, जैसे एड्स की अगर हम बात करें तो उसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी डिज़ीज़। सो
और भी बड़े सारे आती हैं, उसके लिए भी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 दिसंबर को। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हमने याद रखनी। अब देखो इसी में से कितने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो निकल आएंगे। तो करंट अफेयर का अगर क्वेश्चन होगा तो वो सीधे ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान किसने चलाया था, किसने लॉन्च किया था। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर का नाम दे देंगे, प्रेसिडेंट का दे देंगे, किसी और का, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया। प्रोग्राम क्या है कि सिर्फ इसको और इंश्योर करना है, और ज़्यादा तेज़ी से हमें काम करना है सो दैट के हम टीबी को एलिमिनेट कर सकें इंडिया से बाय द ईयर 2025, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर है। ठीक है, तो ग्लोबल ईयर कितना है, जो WHO ने कितना डिक्लेयर किया है वो है 2030 एजेंडा। ओके 2030 एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज 3। सो मैंने आपको ट्यूबरक्लोसिस बता दी, ये भी बता दिया कौन से बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम। देन इसके बाद आपको ये भी बता दिया कम्युनिकेबल डिजीज है, मेन जो टॉपिक होता है डिजीज का, वो भी मैंने आपके साथ इसको डिस्कस कर लिया। सो होप अगर कोई भी इसमें कोई रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ में आता है, जहाँ किसी भी तरह की कोई चेंजेस आ जाएंगी इस तरह के डिजीज में, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो लेट्स होप यू कैन एंजॉय योर लाइफ। और इसके साथ साथ जो कोविड के रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कोरोना वायरस कहाँ से फैला, किस तरीके से आया, वेरिएंट कौन से हैं इंडिया में, कौन से वेरिएंट आए हैं, वो सारी चीज़ें भी हमें पता होना चाहिए। सो होप यू कैन एंजॉय योर लाइफ एंड एंजॉय द वीडियो एंड लेक्चर। कीप वॉचिंग इट एंड शेयरिंग इट। So do like and share. Thank you so much for watching.